नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके सामने विवेक शर्मा। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा। तो आइए जानते हैं डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा के बारे में कुछ विशेष। डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं हमारे मरीजों के बारे में, जैसे कोरोना काल से निकले तो उसके बाद उन्हें, जैसे आप ठाकुर एएस ठाकुर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं एज ए डायरेक्टर। या डायरेक्टर और एज ए कंसल्टेंट बेसल ऑफिशियल सर्जन। एएस ठाकुर हॉस्पिटल काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं, पर पहले ये ठाकुर नर्सिंग होम के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध था। हालांकि ये प्राइवेट क्षेत्र में शायद इस रीजन में पहला ही हॉस्पिटल था जहाँ पे डॉक्टर प्रेम ठाकुर और डॉक्टर शोभा ठाकुर अपनी सर्विसेज बहुत सालों से दे रहे थे सर्जरी और गायनी डिपार्टमेंट में। अभी हाल ही में इस पूरे हॉस्पिटल को हमने रेनोवेट किया है, इसका नाम बदल दिया गया है। अब ये एक डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जा रहा है, जब और इसमें अब और भी कई सुविधाएं ऐड की गई हैं सर्जरी गायनी के अलावा। अब इसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अभिनव ठाकुर, डॉक्टर दिव्या गुप्ता ठाकुर हैं जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अभिलाषा हैं जो ईएनटी रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ में मैं डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा, मैं मुंह और चेहरे के सर्जरी का विशेषज्ञ हूं, जो एक ब्रांच है जो दंत रोग विशेषज्ञ के बाद ये स्पेशलाइजेशन होती है। तो मैं दांतों के रोगों के साथ साथ मुंह और चेहरे की सर्जरी के बारे में भी मेरी विशेषता है, तो एक वो डिपार्टमेंट भी हमने यहाँ पे शुरू किया है। और ये हिमाचल में जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, फेस एंड जॉ सर्जरी का जो डिपार्टमेंट है, तो प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ हम ही इस प्रकार की सेवाएं पूरे इस रीजन में प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल के युवाओं में जैसे फास्ट फूड की बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारे दांतों में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे मुंह से बदबू आना, जैसे हमारे दांत पहले सफेद होते हैं फिर उनमें पीलापन आना, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, फास्ट फूड की वजह से प्रॉब्लम तो है, बिकॉज हम जब फाइबरस फूड खाते थे तो उससे खुद एक तरह से दांत साफ भी हो जाते थे। अब जब फास्ट फूड खाते हैं, रिफाइंड शुगर रहती है, दांतों में चिपक जाते हैं और उसके बाद इसमें बैक्टीरिया हमला करके जो दांतों में सड़न पैदा करता है, उसकी वजह से दांतों में दर्द शुरू होती है, उनका इलाज करना पड़ता है, कई बार ये चीज आगे चल के गंभीर भी हो जाती है, और साथ साथ मुंह से बदबू आने की दिक्कत भी रहती है अगर सफाई ठीक से ना रखी जाए। तो एक प्रॉब्लम है जो फास्ट फूड की वजह से है, बिल्कुल है, और ये सभी जगह, यहाँ पे नहीं पूरे विश्व में इसकी प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसीलिए हम ये सलाह देते हैं सभी लोगों को कि अपने दांतों की जो रूटीन चेकअप है वो हर 6 महीने में करवानी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो शुरू हुई है उसको हम शुरुआती लक्षण उसके आते हैं उसको हम पकड़ लें, उसको शुरू में ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि वो आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आपके मुंह के अंदर। ओके सर, डॉक्टर साहब जैसे कि आप, हमने सुना है कि कटे फटे होंठों का सर्जरी भी करते हैं, और ऊपर से आप सुंदरगढ़ हॉस्पिटल में एज ए प्रोफेसर कार्यरत हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा। मैंने जैसे आपको कहा कि जो मेरी विशेषज्ञता है उसको हम कहते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ये नाम थोड़ा जरूर मुश्किल है समझने के लिए, पर इसको अगर सरल भाषा में समझाऊं तो हम फेस और जॉ के शल्य चिकित्सक आप हमें कह सकते हैं। हम जो भी फेस और जॉ की सर्जरीज होती हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर है, कटे होंठ तालू के बच्चे हैं, किसी एक्सीडेंट की वजह से जिनके जबड़े टूट जाते हैं, या कोई रसौली या ट्यूमर है जो इस गर्दन के हिस्से और मुंह के हिस्से में होती है, उन सब चीज़ों की, या जो जॉ का ज्वाइंट है जिसको हम TMJ ज्वाइंट कहते हैं, या कई लोगों को दर्दें रहती हैं, नसों की दर्दें रहती हैं फेस और जॉ रीजन में, तो उस चीज़ की स्पेशलाइजेशन को हम कहते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जो मेरी विशेषज्ञता है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। और मैं एक संस्था है स्माइल ट्रेन और भी कुछ संस्थाएं हैं जो कटे होंठ तालू के बच्चों की फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो पिछले ऑलमोस्ट 14-15 साल से मैं इन संस्थाओं से, भिन्न भिन्न संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उनके माध्यम से हम ये फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं हर महीने, और हम लोग 2000 से अधिक अब तक कटे होंठ तालू के ऑपरेशन कर चुके हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम हमने टोटली पूर्णतः मुफ्त किए हैं, और अभी भी हम ये कैंप हर माह एक करते हैं जिसमें हम मुफ्त इलाज देते हैं कटे होंठ तालू के मरीजों को। अब ये सुविधा हिम केयर और आयुष्मान भारत के थ्रू भी हमारे हॉस्पिटल में मिल रही है, जिनको हम सभी बच्चों को, बच्चे हों किसी भी उम्र में हो, तो जनरली उनका हम कटे होंठ तालू का ऑपरेशन होता है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कटे होंठ तालू का जो डिसऑर्डर है, ये जन्मजात होता है, और ये किसी ग्रहण या किसी श्राप से नहीं होता है, ये
कुछ विटामिन की कमी या फोलिक एसिड की कमी, या आपके जेनेटिकली होता है कि अगर आपके पुरखों में किसी को हुआ है तो किसी भी जनरेशन में फिर आ सकता है, मदर की तरफ से भी फादर की तरफ से भी। और जब इस तरह का बच्चा पैदा होता है तो ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, पर बच्चा मानसिक रूप से बिल्कुल सही होता है, सिर्फ उसको कुछ सर्जरीज हमें करनी पड़ती है। मेन दिक्कत आती है एक तो देखने की वजह से, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है, और बच्चों की फीडिंग और स्पीच ठीक से साफ बोल नहीं पाते, तो हमें मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं 6 महीने से लेकर 16-17 साल तक। तो हम वो सभी ऑपरेशन टोटली फ्री करते हैं, पहले होंठ का ऑपरेशन, फिर तालू का ऑपरेशन, स्पीच थेरेपी, फिर दांतों की, यहाँ हड्डी नहीं होती वहाँ पे हड्डी डालने का ऑपरेशन, दांत में तारे लगाना, नाक का ऑपरेशन, जबड़े का ऑपरेशन, बीच में स्पीच से रिलेटेड कुछ सर्जरीज है। तो वो सारा एक पूरा एक कंसोलिडेटेड ट्रीटमेंट होता है जिसको पूरा मतलब बचपन से लेकर, बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक वो चलता है। इसलिए वो एक इस ट्रीटमेंट को हम चाहते हैं कि सेंटर बेस्ड होना चाहिए, एक ही सेंटर हो जहाँ पे हम बच्चे को पूरा फॉलो करें बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक। तो हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर महीने हम मुफ्त करते हैं, आपके माध्यम से आप इस जानकारी को फैलाएं लोगों को कि कोई भी इस तरह का बच्चा हो जो आपकी नॉलेज में, उसे आप लेके तुरंत उसका ऑपरेशन मुफ्त करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हम कई सालों से ऐसे कार्य कर रहे हैं और न जाने कितने ही ऑपरेशन किए हैं, तो लगभग इसका कोई डाटा होगा कि बस लगभग? बिल्कुल, हमारे पास सारा डाटा है, बिकॉज जो भी हम ये करते हैं इसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, बस हम सभी पेशेंट के फोटोग्राफ्स, कई बच्चों को तो हम बचपन से हम फॉलो कर रहे हैं, बच्चे 10-10 साल के भी हो गए। आंकड़ा? हाँ, आंकड़ा मैंने कहा, मैं हम लगभग 2000 के करीब इस तरह के ऑपरेशन कर चुके हैं। ठीक है। उसमें कुछ ऑपरेशन मैंने जिला मंडी में भी किए हैं, कुछ यहाँ किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले, जैसे आपने कहा कि मैं सुंदरनगर डेंटल कॉलेज में भी कार्यरत हूँ, तो कुछ मैं ऑपरेशन वहाँ भी, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ लोगों की मदद से वहाँ भी किए हैं। हमने कैंप्स किए हैं करसोग डिस्ट्रिक्ट में, बरोट में, हमने एक चोलथरा में कैंप किया था, हमने इस तरह के कैंप्स भी कई जगह में किए हैं। तो अभी भी हम ये करते रहते हैं, कैंप्स वगैरह करते रहते हैं, और ये ऑलमोस्ट हम मतलब 1800-2000 के करीब इस तरह के ऑपरेशन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना काल अभी खत्म हुआ तो लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आगे और बीमारी आ गई, तो उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को जागृति दे। कोरोना के टाइम में मुश्किलें तो हैं लोगों को, क्योंकि सब कुछ एक तरह से बंद हो गया था, तो और सर्विसेज नहीं मिल रही थी, पर अभी धीरे धीरे जैसे वापस हम करें जिंदगी पटरी पे। नहीं, मेरे कहने का भाव अर्थ ये था कि जैसे उनको आगे जो बीमारियां का सामना करना पड़ रहा है, मैं तो थोड़ा सा मैं वही अभी बता रहा था, वो सामना काफी उसके बाद से कई बीमारियां आ रही हैं। एक बीमारी जो मुख्यतः जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, वो आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, उस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ उस तरह के मरीजों का ऑपरेशन कर चुके हैं जिनको कोरोना के बाद से, और जो खासकर शुगर की बीमारी के भी मरीज साथ में थे, उनको उनके जबड़े में पूरे गलना शुरू हो गए हैं इस फंगस की बीमारी की वजह से। तो उस तरह के चीजें सामने आ रही हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम जो कोरोना के पेशेंट में देखी जा रही है, पर ये प्रॉब्लम्स आने वाले समय आ रही है, वक्त ही बताएगा कि इनसे कैसे हमें निपटना होगा, पर हम इस तरह के मरीज देख रहे हैं अपने। तो थोड़ा सा सुझाव जिससे कि लोगों को जागरूकता मिल सके, लोग अपना बचाव कर सकें, और इसमें देखिए बचाव तो यही है कि जैसे हम सब कह रहे हैं कि अभी भी हम ढील नहीं दे सकते, सेकेंड वेव चली गई, थर्ड शेयर आएगी, या ओमिक्रॉन आ रहा है, या कोई और वायरस आ रहा है, कोई म्यूटेशन हो रही है, तो हम ढील बिल्कुल नहीं दे सकते। हमें जो भी कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल जो दिए गए हैं उसको अभी भी फॉलो करना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहन के रखें, और अपने हैंड हाइजीन का फॉलो करें। वही सबसे बड़ा मंत्र है इस बीमारी से बचने का, कि फॉलो हैंड हाइजीन एंड मास्क। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और आपके हॉस्पिटल में और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, इसके अलावा मैंने से आपको कहा कि अभी हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आंखों के हैं, ENT के हैं, सर्जरी गाइनी तो शुरू से था, और जो हमारा हेड नेक सेंटर है इसमें जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम मुंह के कैंसर के भी ऑपरेशन हमने शुरू किए हैं, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जबड़े जो टूटे होते हैं लोगों के एक्सीडेंट के, वो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह की जो भी फेस से रिलेटेड जितनी भी सर्जरीज हैं, चाहे वो कैंसर है, रसौली है, या कुछ और चीजें, वो हम सब चीजें यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को दूसरे राज्यों में ना भागना पड़े, और सब जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ ही इस हॉस्पिटल में अब डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है, और डायलिसिस की सुविधा भी यहाँ पे है, और इसके अलावा फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। तो ये सब सुविधाएं हम दे रहे हैं, डेंटल डिपार्टमेंट तो है। सर, आयुष्मान और दूसरा कार्ड है उसका भी? यस, हमारा जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट पैनल है, वो यहाँ के पेंशनर्स को और एम्प्लॉइज के लिए उसमें रिइंबर्समेंट की सुविधा उपलब्ध है। साथ साथ ही आयुष्मान भारत और हिम केयर कार्ड धारकों को ट्रीटमेंट टोटली फ्री है, और कुछ थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेज जो हेल्थ स्कीम्स लोगों ने लिए होते हैं उसकी सुविधाएं भी लोग यहाँ